हेलो एवरीवन, आई एम जुबी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माइग्लैम पोरस की रिव्यू, और इन पोरस के साथ ही मैंने आज ये मेरा लुक भी क्रिएट किया है, और ये वीडियो बिल्कुल अनस्पॉन्सर्ड है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। तो वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ माइग्लैम की पॉपिक्सो मेकअप कलेक्शन से, ये नेल किट के साथ। इसमें ना बहुत सारे वेरिएंट है। अभी जो मेरे पास दोनों हाथ में है वो है एक चिलिन, एक है विविन, और इसके अलावा भी मेरे पास और एक शेड है जिसका नाम है हसलिन। इसका आउटर पैकेजिंग मैंने कहीं खो दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आउटर पैकेजिंग है काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, और इसमें आपको 3 ml का 5 नेल पेंट मिलता है छोटा छोटा, जो आप 5 उंगली में अलग अलग भी पहन सकते हैं। और इसका कलर कॉम्बिनेशन हर एक किट का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लाइक विविन में है काफ़ी ग्लिटरी शेड्स, देन चिलिन में है न्यूड कलर, और हसलिन में है पॉप कलर लाइक नियोन ग्रीन, नियोन पिंक। तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन अगर बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी विविन का काफ़ी ज़्यादा सही है। पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। एंड 1 week पहले मैंने ये विविन अप्लाई किया था, अभी तक ये ठीक ठाक है एंड वैनिश मोड में नहीं गया है। लेकिन चिलिन और हसलिन के बारे में बात करें तो मुझे इनका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लगता है, पिगमेंटेशन उतना खास नहीं है। आपको सेकेंड कोट जरूर से अप्लाई करना होता है, और ड्राई होने में भी बहुत ही टाइम लगता है, एंड 2-3 दिन बाद ही ये वैनिश मोड में जाने लगता है। कलर कॉम्बिनेशन, कलर काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन मुझे लगता है क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है माइग्लैम वालों को। तो इस नेल किट का MRP है 250, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट आपको 100 से लेकर 150 के बीच मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। चिलिन और हसलिन को मैं देना चाहूँगी 5 में से 2 स्टार, और विविन को मैं देना चाहूँगी 5 में से 4.5 स्टार। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है माइग्लैम टिंटेड परफेक्शन बेस प्राइमर एंड पोर मिनिमाइजर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पैकेजिंग है काफ़ी ज़्यादा क्लासी है, आपकी वैनिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेकेंड बात यह है कि ये जो क्लेम करता है लाइटली टिंटेड है, मैट है, लाइट वेटेड है, इंस्टेंटली मिनिमाइज करता है पोर्स एंड आपकी स्किन को एक सिल्की स्मूथ फिनिश देता है। तो ये है, एज यू कैन सी, इसे अप्लाई करने के बाद एक इंस्टेंट चेंज देखने मिलता है। तो इसका जो MRP है वो है 1095, लेकिन आपको ये आफ्टर डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा सही प्राइस में मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा एक प्राइमर है, आपको ज़रूर से ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए। बहुत ही अच्छा एक सिल्की स्मूथ बेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो इसको मैं देना चाहूँगी 5 में से 5 स्टार। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है माइग्लैम टिंटेड अप लिप एंड चिक स्टेन, और ये मैंने बहुत बहुत यूज़ किया है, और ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है माइग्लैम से। लेकिन इसका एप्लीकेटर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार था। एप्लीकेटर के सामने जो स्पॉन्ज रहता है वो अब निकल ही गया है, नहीं है, अब वैनिश हो गया है। एप्लीकेटर की क्वालिटी तो बिल्कुल सही नहीं था, बाकी सब कुछ ठीक है। टेक्सचर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वाटर बेस इसकी टेक्सचर है, आपको लाइटली टिंट देता है, पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा लाइट है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन चाहिए तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। मेरे पास जो शेड है वो है 01+, और इसका MRP है 695, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट आप 200 से लेकर 300 के बीच में मिल जाता है। और ये स्लिप एंड चिक स्टेन को मैं देना चाहूँगी 5 में से 4 स्टार, एप्लीकेटर ने मेरा दिल तोड़ दिया। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है माइग्लैम सुपर सीरम बीबी क्रीम विथ SPF 50 PA++, और इसका 2 शेड है मेरे पास, एक है 201 पाइन और एक है 301 आलमंड। 201 पाइन मुझे कुछ दिन पहले ही कोलैबोरेशन के वक्त मिला था, जो मेरी स्किन टोन से काफ़ी हद तक मैच होता है, और 301 आलमंड मैंने बाई मिस्टेक ले लिया था, और ये मेरे स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो ये मेरा कोई काम का नहीं है अब। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट उतना खास पसंद नहीं आया है। इसे अप्लाई करने के बाद ऐसा मुझे कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देता है। बहुत सारा अमाउंट अप्लाई करने के बाद एक लाइट कवरेज मिलता है, एंड एप्लीकेशन के बाद एक ड्राई पैचेस भी छोड़ता है। स्क्रीन में उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन ये ड्राई पैचेस छोड़ता है, तो मुझे ये प्रोडक्ट कुछ खास पसंद नहीं आया है। तो मैं इसे देना चाहूँगी 5 में से 2 स्टार। इसका जो MRP है वो है 450। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट माइग्लैम सुपर सीरम रेंज से ही है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये है माइग्लैम सुपर सीरम कॉम्पैक्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पैकेजिंग थम्स अप, आपके वैनिटी में काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। इसमें एक मिरर भी है और एप्लीकेटर उतना खास मुझे नहीं लगा। तो कंपैक्ट के बारे में बात करें तो इट्स प्रीटी गुड, अच्छा खासा कवरेज दे देता है ये, एंड इट्स ब्लेंड्स लाइक बटर, काफ़ी अच्छा एक स्मूथ फिनिश देता है। यहाँ पर मेरा शेड है 102W बेज और इसका MRP है 499, लेकिन ये आपको डिस्काउंट में 200 में इजीली मिल जाता है। तो मैं इसे देना चाहूँगी 5 में से 5 स्टार। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है माइग्लैम पोज HD बॉन्जर डुओ। माइग्लैम की पोज मेकअप कलेक्शन में जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स है ऑलमोस्ट सभी के पैकेजिंग कुछ ऐसा ही है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है एंड ब्लू एंड पर्पल कलर में है। लुक वाइज देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये ना काफ़ी ज़्यादा स्टडी नहीं है। तो आप अगर इसे लेकर ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको ज़रूर से आउटर पैकेजिंग कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि आउटर पैकेजिंग के अंदर स्पॉन्ज है जो कि सेफ है, नहीं तो सिर्फ इसे लेकर ट्रैवल तो नहीं कर सकते हैं, रिस्क है इसमें। तो पैकेजिंग मुझे ठीक ठाक लगा, लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा स्टडी होता तो ठीक होता। और अंदर की ब्रॉन्जर के बारे में बात करें तो ब्रॉन्जर काफ़ी ज़्यादा सही है। इसमें बेसिकली 2 शेड है, सिनेमन और एक टेराकोटा, तो एक डार्क है एक लाइट है। एक आप दिन में यूज़ कर सकते हैं तो एक आप नाइट में यूज़ कर सकते हैं, और ये ब्लेंड काफ़ी अच्छे से होता है, बिल्कुल भी पैची नहीं है, और ये HD एक फिनिश देता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी MRP है 699 रुपीज़। अगेन ये आपको डिस्काउंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक प्राइस में मिल जाता है। तो मुझे तो ये इसका प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा सही लगा, लेकिन इसका जो पैकेजिंग है उसको नज़र रखते हुए मैं इसे देना चाहूँगी 4 स्टार। ओके, तो नेक्स्ट है मेरे पास 2 आई शेडो पैलेट, एक छोटा एक बड़ा। तो पहले छोटू के बारे में बात करते हैं। तो इस छोटू का नाम है हॉट मेस, और हॉट मेस कुछ ऐसा है, 4 आई शेडो है इसमें, और इसमें कोई मिरर नहीं है, मिरर होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। और पहले ही आपको एक न्यूट्रल कलर मिलता है जो आपकी आई शेडो की बेस क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मैं इनसे ही बेस क्रिएट कर रही हूँ कुछ दिनों से। और जो 3 शेड है ऑरेंज पिंक एंड येलो, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर है, पिगमेंटेशन ओके ही है, मतलब आपको 1 स्वाइप में हल्का सा ही पिगमेंटेशन मिलेगा। आपको अगर ज़्यादा पिगमेंट चाहिए तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा धीरे धीरे। ज़्यादा चौकी नहीं है, ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है। इसका MRP है 299, लेकिन ये आपको आसानी से 150 के अंदर मिल जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक पैलेट है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसे। तो मैं इसे देना चाहूँगी 5 में से 3 स्टार। नेक्स्ट जो बड़ा वाला है इसका नाम है स्कॉट गोल्स, एंड इसमें आपको छोटे छोटे पैन में 12 शेड मिलते हैं, एंड इसमें भी मिरर नहीं है, मिरर होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। ये उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये रहा मेरा हाथ एंड ये रहा पैलेट। मैं कहूँगी कि बिगिनर के लिए ये पैलेट काफ़ी ज़्यादा सही है। इसमें छोटे छोटे पैन में ना बहुत सारा शेड है, ब्लैक से लेकर न्यूट्रल, न्यूट्रल से लेकर ग्लिटरी, सब शेड है इसमें, और इसका पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ इस पैलेट से क्रीज लाइन के लिए ब्राउन कलर। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये जो ब्लू शेड है इसमें, ये भी उतना भी ज़्यादा चौकी नहीं है, ब्लेंड ब्यूटीफुली हो जाता है। लास्ट मैं यूज़ करूँगी ये सिल्वर कलर मैं आईलिड पे यूज़ कर रही हूँ, वो ये मेरे आउटफिट के साथ मैच हो रहा है। और ये ना बिल्कुल छोटू सा है एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है, तो आप इसे कहीं भी लेकर ट्रैवल कर सकते हो। और इसका MRP है 449। अगर आपको 200 से लेकर 300 के बीच में मिल रहा है, ले लो इसे। और मैं इसे देना चाहूँगी 5 में से 4 स्टार, मिरर होता तो 5 स्टार ही होता, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट काजल ऑप्शन मेरे पास 2 है, एक है सुपर कोल काजल, एक है सुपर फूड काजल। तो सुपर कोल काजल के बारे में बात करें तो नॉर्मल सा एक काजल है, स्मज इजीली हो जाता है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, नॉर्मल काजल है। और सुपर फूड काजल के बारे में बात करें तो सुपर फूड काजल इस सुपर कोल काजल से क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड मैट फिनिश देता है। तो क्वालिटी में अगर आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए तो सुपर फूड काजल इज़ द बेस्ट, लेकिन मुझे आज थोड़ा स्मजी लुक चाहिए तो मैं यूज़ कर रही हूँ सुपर कोल काजल। प्राइस दोनों का ही 200 समथिंग है, आप एक बार देख लेना, मुझे अभी याद नहीं है। सुपर कोल काजल को मैं देना चाहूँगी 2 स्टार, बिकॉज ये क्लेम करता है कि ये स्मज प्रूफ है, लेकिन ये ईजिली स्मज हो जाता है। और सुपर फूड काजल को मैं देना चाहूँगी 5 स्टार। नेक्स्ट आई हैव दिस मिनी लिपस्टिक किट फ्रॉम देयर पॉपिक्सो मेकअप कलेक्शन, एंड दिस लिपस्टिक्स आर सो गुड। तो इनमें से 3 वेरिएंट मेरे पास अभी है, एक है पावर ट्रिप, नो ड्रामा एंड प्रिटी मिस।
और इनमें से पावर ट्रिप की फुल रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, सो यू कैन चेक इट आउट। और ये दोनों मेरे पास न्यू है, एक है नो ड्रामा और एक है प्रीटी मिस। पावर ट्रिप में आपको मिलता है बोल्ड कलर लाइक पिंक, रेड एंड मरून। इसमें से पिंक कलर मेरा फेवरेट है, पिंक कलर मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है। और प्रीटी मिस में आपको मिलता है ब्राइट एक पिंक कलर और दो पिंक अंडरटोन के न्यूट कलर। और नो ड्रामा में पॉपेक्सो वालों ने कोई ड्रामा ना करते हुए एक किट में तीनों डिफरेंट न्यूट कलर दे दिया है। पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी हद तक मैट फिनिश देता है एंड ये स्मच प्रूफ नहीं है लेकिन टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसे एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। मैं इन तीनों किट को मैं देना चाहूँगी 5 में से 5 स्टार। इसकी MRP 349 है लेकिन ये आपको डिस्काउंट में काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, लाइक 150-200 के अंदर मिल जाता है, तो काफ़ी एक अच्छा डील है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास माइग्लैम से लेकिन वो हम दूसरी कोई वीडियो में जरूर कवर करेंगे। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली, बी सेफ, हैव फन एंड एंजॉय। बाय बाय।